डैडी गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो आप इतने सारे खिलौने इकट्ठे करके? हाँ कहाँ सजा रखे, तो आपने गिरा रखे? गिराया नहीं। कहाँ पे आपके खिलौने, दिखाओ क्या क्या हैं आपके खिलौने। वाह जूते भी सजाएंगे आप। अच्छा इधर तो आओ, अपना नाम बता दो पहले। इधर आओ। हेलो आरू, हेलो आरू, हेलो आरू। लो 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 आपका खिल्लू, लो आपका खिलौना, लो 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 आपका खिलौना, पकड़ो अपने खिलौने का पकड़ो। हेलो, वो देखो कैसे जा रहा है, घूमी घूमी। क्या कर रहे हो आप पैडी? वाह सजा दिया आपने। ये आपका हल्क किसने तोड़ दिया, ये हल्क किसने तोड़ दिया? आपने तोड़ा हल्क को, फिर किसने तोड़ा? का। वो हल्क आपका तोड़ दिया जिसने का। ये देखो ना तोड़ना नहीं। आरो इधर आओ, आरो इधर आओ, यहाँ आओ मम्मा पास। लो खेली ले लो 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 पकड़ो पकड़ो इसको, लो लो लो। तो यहाँ नला दिया है मैंने आरव को, और अच्छे से उसको क्रीम क्रीम लगा रही हूँ। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है पर नलाना भी ज़रूरी है बच्चों को। और यहाँ पे मैंने सुला दिया है आरू को, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी उठ गया था आज, तो उसको दोबारा सुला दिया। थोड़ी मेरी वॉइस हल्की सी जुकाम हो रहा है मुझे, तो मेरी थोड़ा से मोटी सी वॉइस आ रही होगी। और तो यहाँ मैं कपड़े सही कर रही हूँ। तो आज ये नाश्ता कर लीजिए, नाश्ते में पराठे सब्जी और चाय, और मम्मी का भी डाल दिया है, तो मम्मी भी यहीं आके खाएंगे। आगे हूँ नहा के, नाश्ता पानी सब हो गया है और हल्की हल्की धूप आने लगी है बाहर, मैं भी दिखाऊंगी। तो आरव भी नहा धो के रेडी हो गया है, बस आरू रह गया है। पर आज बहुत मौसम ठंडा है, तो मैं सोची हूँ आरू को ना नहलाऊं, तो मैंने चूड़ा बनाया था अभी, अभी खोला है। और सोची थी धूप में बैठूंगी, पर धूप अभी आई नहीं है, जब आएगी तो अभी भाभी से भी साफ कर दिया है सारा अभी फिलहाल, और बच्चे हैं मम्मी के साथ टीवी देख रहे हैं, और बस इसके बाद थोड़ी सी धूप आएगी तो फिर हम छत में चले जाएंगे। और पता नहीं क्यों मेरे आंखों के नीचे ज़्यादा डार्क सर्कल हो रहे हैं। और तो चलिए फिर अब मैं कर रही हूँ कुछ काम कर लेती हूँ। भैया और भाभी पोस्ट ऑफिस गए हैं किसी काम से, और मम्मी और सब हम लोग फ्रेश हो गए हैं, पापा गए हैं ड्यूटी, और छोटे भाई गया है किसी काम से बाहर। तो बस हम लोग हैं, बच्चे और मैं मम्मी हैं घर पे अभी। तो चलिए फिर मैं और भी आपके साथ शेयरिंग करूँगी। तो मैंने वाला कुर्ता पहन लिया है, ये कुर्ता मुझे मेरी बड़ी जो ननंद है उन्होंने दिया है, और उन्होंने मुझे एक सूट भी दिया था, पर वो मैंने अभी सिलाया नहीं है, तो सोच रही हूँ यहाँ से जाऊँगी और फिर सिलवाऊँगी उसको। तो चलिए फिर अब दिखाती हूँ मैं बच्चे कहाँ हैं और टीवी देख रहे हैं, तो मैं म्यूट में ही दिखाऊंगी, और क्योंकि फिर अगर मैं कुछ सॉन्ग सॉन्ग लगा दूंगी तो फिर कॉपीराइट और ये सब क्लेम क्लेम का चक्कर हो जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ बाहर का व्यू कैसा है। तो यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ पहले। बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा कोहरा, इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ। और ठंडी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। देखो रोड में भी ऐसा लग रहा है जैसे बारिश है, पर ये बहुत ज़्यादा ओस पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। पीछे देखो, वो देखो इतना ठंडा ज़्यादा मौसम हो रहा है, और हाथ भी ऐसे कट गए हैं ना, बहुत ज़्यादा कट गए हैं। तो छत में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये है कि कपड़े सुखाने जाऊँगी मैं, थोड़े से कपड़े हैं उसको सुखाने जाऊँगी, और बाल अपने अच्छे से सही करूँगी, क्योंकि कल मैंने ना नहा धो के सिर्फ जूड़ा बनाया था और जूड़ा ही बना के रख लिया था, बाल उलझे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले अच्छे से इसको कॉम कर लेती हूँ और फिर
फिर, और बड़े भी हो गए हैं मेरे, लंबे भी हो गए हैं बाल, तो लंबे तो लेंथ तो नहीं कटवाऊंगी पर मैं हल्की सी ट्रिमिंग कटिंग करवाने की सोच रही हूँ। और तो चलिए फिर अब मैं मिलती हूँ बाद में, देखती हूँ क्या करते हैं बच्चों के साथ। आरू को नहलाती हूँ या आरू के सिर्फ कपड़े मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर देती हूँ, तो देखती हूँ। तो चलिए फिर बाय। तो यहाँ किसको नींद आ रही है? तो यहाँ रेडी हो गया है आरू नहा धो के एकदम, और कपड़े अच्छे से मैंने इसको पिना दिए हैं और गर्म पिनाए हैं, अंदर से भी दो तीन गर्म पिनाए हैं और ये भी एकदम गर्म है। और हेलो आरू, हेलो आरू, तो इसको इतनी नींद आ रही है ना, पर जब मैं सुला रही हूँ तब ये सो नहीं रहा है। हेलो आरू, हेलो आरू, मैं जा रही हूँ किचन में, मम्मी ने दाल चढ़ा दी है मिक्स दाल, तो मैंने सोचा चलो तड़का मार देती हूँ उसमें, क्योंकि भाभी और भैया भी हो पोस्ट ऑफिस गए हैं और ऐसे सरकारी जगह में थोड़ा सेफ्टी के साथ ही जाना पड़ता है और वहाँ सैनिटाइज वनिटाइज करके फिर अंदर ले जाते हैं और फिर इसलिए लेट हो जाएगी उनको। तो मम्मी ने दाल चढ़ा दिया है और प्याज लहसुन कट कर दिए हैं। अब मैं दाल में तड़का मार देती हूँ और राइस बना देती हूँ, बस दाल और चावल, और चटनी बना लेंगे हम, देखते हैं किस चीज़ की बनाते हैं, सब्जी पड़ी हुई है। तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ फटाफट से काम और फिर बात करूँगी मैं आप सबसे। आरू सोया नहीं है, दिखाती हूँ आरू कहाँ है, वो सोया नहीं है, परेशान कर रहा है बस। हेलो आरू, नानी के साथ। हेलो मम्मी। हेलो। तो आरू है अपनी नानी के साथ खेल रहा है, तो यहाँ चावल निकाल दिए हैं और ये बहुत अच्छे चावल हैं, तो इसको छांटूंगी मैं पहले चलती हूँ दाल तड़क। तो बच्चों को लग रही है फूक और तो मैं तल रही हूँ यहाँ पे फिंगर्स, तो ये फ्राइड तल देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा भूख ना लगे बच्चों को। वैसे भी बच्चों को जितना मर्जी दे दो, अभी मम्मी ने उनको फ्रूट्स काट के दिए थे और अब मैं फिंगर तल देती हूँ, तो चलो तल लेती हूँ फिंगर। और मुझे भी बहुत पसंद है ये फिंगर्स खाने। दाल हो गई है बहुत अच्छे से रेडी, और थोड़ी सी दाल मैं आलू के लिए निकाल दूंगी इसमें से और हम लोगों के लिए तड़क दूंगी। तो तेल हो गया है गरम और सबसे पहले मैं डाल देती हूँ इसमें जीरा, आलू सो रहा है और मैंने ले लिया है खाना, तो यहाँ बैठ के आराम से खाना खा लेती हूँ। और सब्जी है, दाल है और राइस है। तो मौसम दिखा देती हूँ, आज इतनी धूप आई भी नहीं है पर आरव और तो छत में ही है, अभी आएंगे नीचे। गरम खाना मिक्स दाल राइस और सब्जी। मैं आ गई हूँ आरू के लेके छत में, क्योंकि अभी आई है थोड़ी देर पहले धूप और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो आरू भी बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में आ जाती हूँ। तो वहाँ गद्दा बिछाया हुआ है तो वहाँ बैठ जाऊँगी मैं आरू के साथ और इसके बाद चली जाऊँगी फिर थोड़ी देर 15-20 मिनट बैठ के फिर नीचे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि बच्चे के साथ नीचे बैठा ही नहीं जा रहा है। आरव अभी आया था ऊपर और वो खाना खुना खा के खाने के लिए नीचे गया है, मैंने खाना खा लिया है, बच्चे टाइम लगाते हैं, मैंने फटाफट खाना खाया क्योंकि आरू को फिर ठंड ना लग जाए बोल के, इसलिए मैं छत में लेके आ गई उसको। फिर बच्चे नहाते हैं ना तो धूप में बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों को, और फिर रात को भी मैं इसकी मालिश करके ही इसको सुलाती हूँ जिससे कि वार्म रहे वो, उसकी छाती में ठंड ना लगे। तो हेलो आरू कर दो, हेलो कर दो, हेलो गाइस। तो अभी देखिए कितना अच्छा धूप आ रहा है और अभी सुबह एक बूंद धूप नहीं थी, तो चलिए फिर मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे
और देखती हूँ मैं कंटिन्यू कर पाऊँ तो, अगर नहीं तो फिर मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड कर दूँगी। तो आप सभी को भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो। तो आरू नीचे उतर गया है, हेलो आरू, हेलो। तो ये आजकल सोचता है कि इसको नीचे छोड़ दूँ मैं और ये खेलता रहे, पर ये ना कुछ भी चीज़ नीचे गिरी होती है वो उठाता है और सीधा मुंह में डाल देता है, तो ऐसा करता है आजकल। तो इसका टोपी खोल देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा धूप इसके सर पे भी लग जाए। तो देखो, हेलो आरू, हेलो। तो आज के लिए बात ही नहीं करता है, सोचता है कि ये खेलता रहे। देखो ऐसे करके पकड़ना पड़ता है इसको, मेरे को पुश करना पड़ता है पीछे की तरफ। तो क्या उठा रहे हो अभी, क्या उठा रहे हो? तो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ अच्छा या कुछ बुरा लगता हो आपको तो। तो चलिए फिर मैं अब मिलती हूँ आपको, अगर मिल पाई तो फिर दोबारा कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर दूँगी मैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। तो चलिए फिर अब मैं आरू के साथ खेल लेती हूँ थोड़ी देर। देखो वहाँ चला गया है वो। हेलो आरू, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ यहाँ मम्मा पास। तो कहाँ जा रहा है आरू? वो देखो गाड़ी है ना वहाँ पे, उसके पास जा रहा है। आरू यहाँ आओ, कपड़े गंदे कर दिए शाना ने, शाना ने गंदे कर दिए, शाना मम्मा शाना। तो देखो कैसे कर रहा है आरू, यहाँ आ जाओ, देखो गंदे हो गए ना कपड़े, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो चलिए फिर मैं भी अपनी वीडियो का अब एंड कर दूंगी। तो इतनी अच्छी धूप आ रही है आज और बच्चों के साथ मैं कर रही हूँ थोड़ी सी मस्ती, है ना आरू? देखो 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 क्या उठा रहा है आरू। तो इसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तो करते हैं ब्लॉग का एंड। जय हिंद, जय भारत।